प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू क्लास 7। बच्चों, हमने सबक श्रीनगर से कारगिल तक का आधा हिस्सा सीनीचर को पढ़ा था। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे और इसका पेज नंबर है 69। ये जगत चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से गिरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान जियारत गाह या मुकदस मुकाम है, और बाएं जानिब जोजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। बच्चों, ये जगह बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानिब जोजिला की सड़क आजकल के दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जोजिला दर्रे को, दर्रे का माना है दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहां से आगे चलकर हर तरफ वादियां और वसी व अरीज मरगुजार, मरगुजार का माना है सरसब्ज मैदान या चरागाह दिखाई देते है। जोजिला पहाड़ों को चीरते हुए इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहां से आगे चलकर हर तरफ वादियां और बड़े बड़े सरसब्ज मैदान दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरह की जग्राफियाई फर्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ पोश बोलते हैं, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, सरसब्ज वादियां, घने जंगल, और दूसरी तरफ ताहद निगाह चटेल। ताहद निगाह किसको इस बोले, जहां तक नजर जाए, ताहद निगाह का माना है बहुत दूर तक, और चटेल का मतलब है वो मैदान जहां कोई घास या दरख्त ना हो, और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला जहां नबातात नाम की कोई चीज नहीं आती है। नबातात, नबातात में पौधे सब्जियां, नबात की जमा। बच्चों, लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहां से ही हमें एक तरह का फर्क महसूस होता है। एक तरफ कश्मीर के बर्फ से ढके हुए पहाड़, सरसब्ज वादियां और घने जंगल, और दूसरी तरफ बहुत दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का तवील सिलसिला जहां पौधे सब्जियां नाम की कोई चीज नहीं आती है। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटाइन नजर आता है। लद्दाख के तर्ज जिंदगी, सकाफत और जबान का नमूना लद्दाख के सफर के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। मटाइन के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है। श्रीनगर से लेह की तरफ जाते हुए पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हुए लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटाइन नजर आता है, जहां पर लद्दाख की तहजीब, तमादुन, सकाफत और जबान नमूने देखने को मिलते हैं। इस गांव के बाद अगला मकाम द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन इलाका है। द्रास में दर्ज हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नजर आते हैं, मुख्तलिफ। यहाँ ऐसे मकाना तामीर हुए हैं जो शमसी तवनाई से गर्म रहते हैं। शमसी तवनाई का माने है धूप से हासिल होने वाली ताकत। बच्चों, द्रास में सर्दियों के मौसम में दर्ज हरारत -45 डिग्री तक कम हो जाता है। बारिश कम होने के बावजूद यह इलाका सरसब्ज शादा है। अब यहाँ ऐसे मकान बनाए गए हैं जो शमसी तवनाई से सर्दियों में कदरे गर्म रहते हैं। बच्चों, आज यहीं तक, इंशाल्लाह कल इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।